हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आरटीई एडमिशन 2023-24 का फर्स्ट राउंड फिनिश हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अब सेकंड राउंड चल रहा है। कुछ दिन बाद थर्ड राउंड चलेगा। कब से कब तक फर्स्ट राउंड था, कब से कब तक सेकंड रहेगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब से थर्ड शुरू होगा, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहां पर जाकर आरटीई की प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें सभी तरह के वीडियोस दिए हैं जिसमें हमने हाउ टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और एज लिमिट, सारे के सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया है उसका एडमिशन लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिससे कि आप अपने बच्चे का नाम उसमें देख सकें, साथ ही साथ उसका प्रिंट निकलवा के और अपने फॉर्म में लगा के आगे बीएसए ऑफिस की कार्रवाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहां पर दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश का जो आरटी का रिजल्ट है उसकी लिस्ट कैसे आपको डाउनलोड करनी है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या तो हमने पहले से वीडियो बना दिया होगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर आने वाले समय में वीडियो बना देंगे। तो अगर आप जिस भी स्टेट से हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम आरटी की वेबसाइट ओपन करते हैं, rte25.upsdc.gov.in। ये वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, यहीं से आरटी के फॉर्म भरे जाते हैं, यहीं पर रिजल्ट चेक होता है। अब बात करेंगे कैसे आपको इसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो डाउनलोड करनी है। दोनों ही तरीके से बताएंगे, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कैसे डाउनलोड करनी है और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करनी है। या देखिए, हमने कंप्यूटर में ओपन की है आरटी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट को हम यहां पर देखिए इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर मिलेगा लॉटरी रिजल्ट, जिसमें पूरा रिजल्ट दिखाया गया है, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी किस बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन मिला है, तो वो डिटेल आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में मिलेगी। इस पर क्लिक कर लें और यहां पर देखिए, आपको अपने एरिया की अगर लिस्ट डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले अपना जिला चुनना होगा। जिला चुनने के बाद अपना एरिया चुनना है, एरिया नहीं, सिर्फ पूरे जिले की लिस्ट एक साथ आ जाती है, तो आपको जिला चुनना है। उसके बाद में लॉटरी वन, अगर यहां पर सेकंड राउंड भी हो चुका है तो लॉटरी टू भी आएगा। तो जिसका भी आपको सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कर लीजिए और नीचे आप देखोगे कि पूरा का पूरा सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड हो जाता है। क्योंकि ये पीडीएफ बड़ी होती है इसलिए इसको लोड होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, जिसके अंदर आपके ज़िले में जितने भी बच्चों के नाम आए हैं, पूरे ज़िले में जितने भी स्कूल हैं, सभी की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र भी सेलेक्ट करिए तो वहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाती है। तो इस लिस्ट को आपको राइट क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रिंट में आपको जो आपका प्रिंटर सेलेक्ट होता है उसकी जगह पर आपको सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने देखिए सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पीडीएफ सेव करने के लिए आपसे जगह पूछी जाती है, डेस्कटॉप पर हम सेव कर देते हैं। उसके बाद ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर सेव हो जाती है, हम आपको दिखा देते हैं। ये है राइट टू एजुकेशन लिस्ट, इसको अब आपने ओपन करके अपने बच्चे का नाम आराम से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ओपन कर लिया हमने क्रोम में, 1733 पेजेस हैं। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल एफ लिखना है और अपने बच्चे का नाम यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ रौनक, RONA। देखिए यहाँ पर ये बच्चे का नाम आ चुका है, उसके फादर का नाम और किस स्कूल में इसका नंबर आया है, तो वो स्कूल का नाम भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है। मोबाइल में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ ऊपर आपने यहाँ गूगल में सर्च बार में लिखना है RTUPRTE और एंटर कर देना है। मोबाइल में इसी तरह से खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है, इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखिए ये जो ऑरेंज कलर के जो मेनू दिए हुए हैं इसमें आपको मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है अपना, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आपको लॉटरी रिजल्ट वन है या टू है वो सेलेक्ट करना है। तो सेम कंप्यूटर की तरह ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इस तरह से आपकी जो लिस्ट है वो पूरी यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस था कि किस तरह से आप आरटीई की सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी आरटीई की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे सभी सवालों के जवाब। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक।
मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।